मैं शक्लों को जैसी हैं वैसी पेश करता हूँ, अगर शक्लें बुरी हैं तो बुरी नज़र आएंगी। मैं प्लास्टिक सर्जरी से बनाना और या बिगाड़ना नहीं जानता। छोटी सोच वालों की अक्सर ज़बान लंबी होती है। औरत हाँ ना का एक एक्ट नहायत ही दिलचस्प मरकब है। इनकार और इकरार कुछ इस तरह औरत के वजूद में गलत मलत हो गया कि बाज़ औक़ात इकरार इनकार और इनकार इकरार मालूम होता है। हुस्न परस्त मर्द के पास अल्फाज का ऐसा जादू कि वो तारीफ़ की भूखी औरत को सिर्फ चंद लफ्ज़ों में अपने बस में कर लेता है। हुस्न परस्त मर्द के पास अल्फाज का ऐसा जादू होता है कि वह तारीफ़ की भूखी औरत को सिर्फ चंद जुमलों से अपने बस में कर लेता है। वाह गालिब तेरे इश्क के फतवे निराले, तुम देखो तो अदा हम देखे तो गुना। ठंडा गोश्त बेहिस हो चुके माशरे में ही इंसानियत की रमक बाकी रहती है। ठंडा गोश्त एक मर्द की जिंसी जज्बात सर्द हो जाने या नफसियाती तौर पर ना मर्द हो जाने की कहानी है। फसादात में लूटमार इस्मत दरी कत्लो गारत गरी में पेश पेश रहने वाला ईशर सिंह जब एक लड़की पर हाथ साफ करने के इरादे से उठाकर लाता है तो देखता है कि वो मर चुकी है। इस शदीद सदमे से वो अपनी मर्दानगी खो बैठता है। लड़की को वहीं छोड़कर वो होटल में अपनी दाश्ता कलवंत के पास जाता है। कलवंत के लाखों कोशिश के बावजूद खुद को जिनसी तौर पर तैयार नहीं कर पाता। जब वो कलवंत को अपने जिनसी जज्बात सर्द होने की कहानी सुनाता है तो कलवंत आग बगोला हो जाती है और इसे खंजर घोंप देती है। ये थी जी ठंडा गोश्त।